5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में विजयश्री हासिल की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिताकर देश के मतदाताओं ने सबको चौंका दिया। सारा देश इसे चमत्कार के रूप में देख रहा है तो बुद्धिजीवी इसे जनता की नादानी और प्रचार तंत्र की कारस्तानी बता रहे हैं। क्या वास्तव में आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश की जनता इतनी भोली और नादान है कि उसे फुसलाकर उसका वोट छीना जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दल अपने गरिमा में झांकने के बजाय समाज को जाति और धर्म के आधार पर बटे होने का आरोप लगा रहे हैं? इन चुनावों के बाद ये समझना जरूरी है, इस पड़ताल को करना बेहद आवश्यक है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है या कि और अधिक मजबूत हो रहा है। आज हम विशेष में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, लोकतंत्र का सबक। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अप्रत्याशित सफलता से न सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी हैरान हैं, बल्कि खुद पार्टी की बहुत से नेता और समर्थक इस चमत्कार का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, कोविड, बीजेपी विधायकों, मंत्रियों में भगदड़ और छुट्टा जानवर जैसे मुद्दों के बावजूद बीजेपी को बहुमत पाने में सफलता मिली। वहीं 4 राज्यों में सत्ता विरोधी लहर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि इन चुनावों के नतीजे क्या बीजेपी शासित राज्यों का प्रशासन, विकास योजनाएं, लगातार जमीन से जुड़ाव और हिंदुत्व का सचमुच जनादेश है या चुनावी गणित का नतीजा भरी है। आज राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में मिली जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इस जीत ने बीजेपी के लिए अगले आम चुनाव के लिए भी राह आसान कर दी है। इनमें से सबसे ज्यादा अहम यूपी के चुनाव रहे, जहां बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यूपी में विपक्ष जहां योगी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था को लगातार मुद्दा बनाती रही, वहीं बीजेपी ने अपनी इसी कमजोरी को हथियार बना लिया। व्यंग्य में दिए गए नाम बुलडोजर बाबा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बना लिया। विकास होगा लोक कल्याण के लिए, हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, और बुलडोजर होगा माफिया और अपराधियों की छाती पर चढ़ाने के लिए, उनके अवैध कमाई पर चढ़ाने के लिए। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। सपा परेशान है, उनको अब उससे ज्यादा बुलडोजर से परेशानी हो गई है। बीजेपी ये समझाने में कामयाब रही कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी ही उपयोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी सरकार की लगातार पीठ थपथपाई। योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। योगी जी का एंटी रोमियो स्क्वाड ने महिलाओं की सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बना दिया। वहीं माफिया के खिलाफ कार्रवाई ने उनके हिंदुत्व के मुद्दे को भी खासी हवा दी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार उस साइलेंट वोटर ने किया जिसे डबल इंजन की सरकार डबल राशन की सुविधा दे रही थी। ये अलग बात है कि मार्च के बाद से ये योजना जारी रहेगी या नहीं, लेकिन बीजेपी को एक स्थायी लाभार्थी वोट बैंक बनाने में इसने खासी मदद की। किसान सम्मान निधि,
महिलाओं को पेंशन, सिलेंडर पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, शौचालयों के लिए अनुदान जैसी कई नकदी योजनाएं बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक बनाने की वजह बनी। राजनीति की भाषा में इसे लाभार्थी चेतना कहा गया। हालांकि मीडिया और राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं के लिए एक दूसरे की आलोचना करती रही और जनता को भी सीख देती रही, लेकिन 2 जून की दो रोटी के लिए संघर्ष कर रही जनता के लिए ये एक बड़ी नियामत साबित हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी हर भाषण में फ्री वैक्सीन, मुफ्त राशन का एहसान गिनाते नजर आए। गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा रात को भूखा न सो जाए, इसलिए पिछले 2 साल से हम मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य परिवार से आता हूं और जो आप अनुभव करते हैं वो मैं अनुभव करके आया हूं। हिंदुत्व के एजेंडे के बावजूद राम और रहीम या समीना और सीमा को दिए जाने वाले राशन में कोई भेदभाव नहीं किया गया, लिहाजा नकदी और राशन पर आधारित योजनाओं ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर बीजेपी का वोट बैंक तैयार किया। वहीं हिंदू वोटरों के दिलो दिमाग में बीजेपी धर्म रक्षक पार्टी की छवि बनाने में भी कामयाब रही। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत ने उसकी धार्मिक आस्था को भुनाने में खासी मदद की। अयोध्या में दीपावली जैसे आयोजनों ने कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव से पहले दौरा कर बड़े जलसे के जरिए राजनीति और धर्म का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसका पूरे प्रदेश के जनमानस पर खासा असर पड़ा। वहीं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना और उसका धार्मिक नगरी के रूप में विकास का फायदा भी बीजेपी को मिलना था। संगम नगरी कुंभ के समय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र होती है। विकास और धर्म के इस संगम से बीजेपी को खासा राजनीतिक पुण्य प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जाति की राजनीति नहीं की। हिंदुत्व के साथ जाति की राजनीति का मिश्रण बीजेपी के लिए सोने में सुहागा हो गया। योगी सरकार से पिछड़े मंत्रियों, विधायकों की भगदड़ के बावजूद पिछड़े और दलित वोटों पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बीजेपी के साथ जुड़े पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पार्टी अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटें जीती और निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीती। यही नहीं, कथित रूप से ब्राह्मणों और नाराजगी के बावजूद ब्राह्मण और जाट बहुल सीटों पर भी पार्टी को जीत मिली। हैरानी तो सबको इस बात पर भी हो रही है कि जिस लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप था, उसी लखीमपुर खीरी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। वहीं पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर भी पार्टी को कमोवेश जीत ही मिली है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने यहाँ बार बार ये डर दिखाया कि सपा की सरकार आने से माफिया का राज हो जाएगा। 2012 से 17 के बाद और 17 के से अब तक इन 3 सरकारों की कार्य पद्धति को देखा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आप सबको सुरक्षा, विकास और शासन की योजना से जोड़ने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो गरीबों का अन्न हड़प जाते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे और विकास की योजना में डकैती डालते थे। बीजेपी ने गठजोड़ की राजनीति में अपना कौशल दिखाया तो जोड़ तोड़ की राजनीति में महारत साबित कर दिया समझा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव बहुल 122 सीटों पर बीजेपी से तालमेल कर बीएसपी ने 77 सीटों पर मुस्लिम और यादव प्रत्याशी उतारे, जिसकी वजह से बीजेपी को 70 सीटों पर जीत मिली। अब समझा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ऐन चुनाव के बीच क्यों तारीफ की थी। बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई, सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट्स जरूर आएंगे। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट पर सीट स्पेसिफिक होता है, इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में। परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं।
कहा यह जा रहा है कि बीएसपी के वोट ट्रांसफर ने समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने से रोक दिया, लेकिन सच ये भी है कि इसका नुकसान बीएसपी पर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के इन चुनाव ने ये भी साबित कर दिया कि अब प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व पर आधारित हो गई है और जाति की राजनीति का वजूद खत्म हो गया है। इन सबसे ऊपर बीजेपी के प्रचार तंत्र की बात है, जिसका तोड़ किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल से लगातार प्रदेश भर में दौरे किए। भले ही आज पीएम मोदी पर हमेशा चुनावी तेवर में रहने का आरोप लगाया जाए, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि बीजेपी चुनावी जीत को किसी भी दल के मुकाबले सबसे ज्यादा गंभीरता से लेती है। इसीलिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे तालमेल से पार्टी का प्रचार किया। वहीं सोशल मीडिया में प्रचार के लिए पिछले 1 साल से 1,63,000 व्हाट्सएप ग्रुप लगातार हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार में जुटे हुए हैं। मित्रों, मैं हर जगह जाता था तब कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनानी। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजय। वहीं राष्ट्रीय मीडिया से भी पार्टी का सीधा या परोक्ष प्रचार 7 साल से जारी है, तो चुनावी बूथ पर मतदाताओं को ले जाने की रणनीति के मामले में बीजेपी की सानी नहीं है। अमित शाह को इस रणनीति का जनक माना जाता है। बताया जाता है कि वो विधानसभा के स्तर तक अपने प्रचार तंत्र से सीधे संपर्क में रहते हैं, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी ने केंद्र की विकास परियोजनाओं को भी यूपी चुनाव के प्रचार से जोड़ दिया। खासकर यूपी में चुनाव से काफी पहले आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र को प्रभावित करने वाली इन योजनाओं के बहाने प्रदेश का दौरा कर चुके थे। इन योजनाओं में प्रमुख काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रभावित होने वाली 8 सीटों पर बीजेपी को खासा लाभ मिला, तो गोरखपुर एम्स से प्रभावित होने वाली 9 सीटों के नतीजे भी सबके सामने हैं। तो वहीं गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री से 9 सीटों पर असर देखा गया। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने खुद पीएम मोदी पहुंचे, तो झांसी और अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का फायदा भी बीजेपी को खूब मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के असर में आने वाली सीटों पर जरूर समाजवादी पार्टी ने 33 सीटें जीती और बीजेपी 25 सीटें ही पा सकी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में तब खासा बवाल किया था जब पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान से यहां पहुंचे थे और यहां भारतीय वायुसेना ने राफेल, सुखोई और मिराज विमानों के करतब दिखाए थे। बहरहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासी हवाई पट्टी से उड़ान भरने में कामयाब हो गई है। उसे नोटबंदी, लॉकडाउन, कोविड, गंगा में तैरती लाशें, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, लॉकडाउन में पलायन का दर्द, 100 के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, रेलवे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ तक कि 5 साल की डबल एंटी इनकम्बेंसी को मोदी योगी की जोड़ी ने सत्ता समर्थक लहर में बदल कर लोकतंत्र में एक नया अध्याय रच दिया। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो उपयोगी है का नारा एक सच्चाई बन गया है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।